हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। मैं तो वीडियोस नहीं लेके आ पाता हूँ डेली वाइज, तो वीडियोस नहीं लेके आ पाता हूँ। बहुत कोशिश रहती है बट फिर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। जॉब करने के बाद, लाइक 8 घंटे वर्क करने के बाद, फिर अपना भी पढ़ना होता है, तो इसी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझे टाइम मिले वीडियो रिकॉर्ड करने का और मैं कुछ आपके लिए लेकर आऊं। तो इसलिए आज सैटरडे और संडे मेरा ऑफ रहता है, तो मैं आपको बिल्कुल 2 दिन अच्छे से सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा जो जो मुझे प्रोवाइड करनी है। तो आज का टॉपिक रहेगा, आज का जो मैंने लिया है, कि बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो वो टाइम मैनेज किस तरीके से करें, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के, जब वो साथ में तैयारी करें डेली वाइज, दोनों के साथ में उन्हें तैयारी करनी है, और किस तरीके से उनको मैनेज करना है, क्या उनका डेली का रहना चाहिए मॉर्निंग से लेके शाम तक, नाइट तक का। तो देखो दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ आप एक रेगुलर स्टूडेंट है, लाइक आप कोई वर्क नहीं करते हैं, कुछ नहीं कही है, तो दिस इज फॉर रेगुलर स्टूडेंट। आप एक कंप्लीट रेगुलर स्टूडेंट है और आपके पास स्टडी के लिए सफिशियंट टाइम है, आपके लिए और कोई वर्क नहीं है, और कोई वर्क भी है तो आप आराम से कर लेते हैं। लाइक उसके अलावा स्टडी को आपको देने के लिए आपके पास है 8 आवर्स हैं, तो ये जो शेड्यूल रहेगा ये रहेगा कंप्लीट 8 आवर्स to 9 आवर्स का, ठीक है। 8 आवर्स ही मान के चलो, 9 आवर्स नहीं हो पाएंगे। 9 आवर्स आप, मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं 9 आवर्स का आपको प्रोवाइड करूं। जब रिक्वायर्ड होता है तब हम 9 आवर्स 10 आवर्स स्टडी करते हैं, बट अभी के लिए 7-8 आवर्स स्टडी इज एनफ, ओके। तो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से अगर समझोगे सारी चीजें और देख के इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो बहुत अच्छे से प्रॉपर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6-7 दिन लगेंगे आपको इसके अंदर आने के लिए, अगर आप इस तरीके से नहीं चलते हो तो, बट आ जाओगे। अब देखो, सबसे पहली बात, एक तो वो बच्चे जो अभी भी वीडियोस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो अब जितने आपने एग्जाम दे लिए हैं काफी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए, तो आपको पता है ये वीडियोस अब आपके किसी काम की नहीं है। अब ये वीडियोस का कोई ज्यादा महत्व आपका बचा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस बची नहीं है, तो आपको ये वीडियोस, तो देखो जो बच्चे ज्यादा अपना टाइम बर्बाद करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आप देखना ही मत। अगर आप कंप्लीट 3-4 घंटे 3.5 घंटे 2 घंटे अपने वीडियोस के अंदर बर्बाद करते हो, कभी रीजनिंग की, कभी मैथ्स की, कभी इंग्लिश की, ये सब देखते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए सारे टॉपिक्स के। अगर कुछ कुछ टॉपिक्स हैं और आपको बीच में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नहीं आप हर टॉपिक की वीडियोज ही देख रहे हो अभी तक। आपके टॉपिक अब क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट शेड्यूल इसलिए बताऊंगा, तो ये आपको आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की। अब प्रीलिम्स की ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैंने आपको सोर्स ऑलरेडी बता दिए हैं किस तरीके से आपको प्रीलिम्स का फॉलो करना होता है, किस कहां कहां से उठाना होता है, तो इस चीज में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसकी देखो वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर मेरे, तो उस वीडियो को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको देखना। शेड्यूल है पूरा कि किस तरीके से प्रीलिम्स में जो है हमने टॉपिक कहाँ से सेलेक्ट करने होते हैं, सोर्स कहाँ कहाँ होती है हमारी, कहाँ से हमने जल्दी से मटेरियल उठाना होता है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, तो ये चीज आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगी। अब देखो प्रीलिम्स की बात करते हैं, आप मॉर्निंग में देखो, आप कुछ कुछ क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नाइट में पढ़ना प्रीफर करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में 4 to 5 AM उठ जाते हैं और मॉर्निंग में जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, लाइक 7 to 8 बजे तक का, 7 AM to 8 AM तक, 5 से लेकर 2 से 3 घंटे वो बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव होकर पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नाइट में अच्छा लगता है, वो 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 बजे तक पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। तो देखो वेरी करता है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को, उस हिसाब से इस चीज को इंप्लीमेंट कर लेना। ये नहीं कि मैं इस टाइम पे बता रहा हूं कि आप मॉर्निंग में इतने बजे उठो, मैं आपको बताऊंगा आप इवनिंग में इतने बजे ये करो और आप नाइट में इतने बजे सो जाओ, यही चीज है, इसी से ही सब कुछ होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा कि किस समय से और किस तरीके से आपको करना चाहिए, ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छे से कर लो, और वो टाइमिंग आपको खुद सेट करनी होगी कि मैं ये चीज नाइट में करूंगा, ये चीज मॉर्निंग में करूंगा, ये चीज नून में करूंगा या इवनिंग में करूंगा, तो इट इज अप टू यू कि आप कैसे मैनेज करते हो, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले बात प्रीलिम्स की करेंगे, सोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा किस तरीके से करना होगा, शेड्यूल भी मैं दूंगा, शेड्यूल भी वैसे मैंने उस वीडियो में दे रखा है, बट अब मैं डेली शेड्यूल दूंगा तो आपको थोड़ा एनकरेजमेंट आएगा और आप उसी तरीके से चलोगे। अब देखो प्रीलिम्स में तीन सब्जेक्ट आपको फोकस करने होते हैं, तीन के साथ चार रखो। सबसे पहले रखो मॉक, सही है, मॉक रखना है, फिर आता है आपका क्वांट, फिर आता है आपकी इंग्लिश, फिर आती है आपकी रीजनिंग, ठीक है। अब ये चार चीजों पे आपको फोकस करना होता है प्रीलिम्स के लिए। अब देखो डेली तो एक मॉक टेस्ट लगाना है, तो इसका वन आवर हो गया, इसका वन आवर हो गया, ये आप वन आवर तो इसका बिल्कुल अलग कर दो। अब देखो ये जो तीन सब्जेक्ट है ना, ये तीनों तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस जो होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए वन वन आवर, वन आवर, वन आवर, वन आवर, और इनके बीच में जो ब्रेक होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 10-10 मिनट्स का। ये ब्रेक 10-10 मिनट्स का होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखो जो भी सब्जेक्ट आपको पहले उठाना अच्छा लगता हो, आप प्रीलिम्स से स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको करनी प्रीलिम्स से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप मेन से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा आप समझोगे कि यार बिल्कुल मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, इतना टफ है, तो आपको प्रीलिम्स में भी अच्छा नहीं लगेगा करना कुछ भी। आप प्रीलिम्स से स्टार्ट करो फिर मेन्स पे जाना, क्योंकि अभी प्रीलिम्स को इंपॉर्टेंस देनी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उसकी वन आवर प्रैक्टिस करो, वन मॉक नहीं लगाना है आपको सबसे पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट वन आवर प्रैक्टिस 10 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरा सब्जेक्ट वन आवर प्रैक्टिस 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट के ब्रेक में आप सॉन्ग सुनो, कुछ भी करो, एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू लाइक टू डू वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो रीजनिंग, फिर रीजनिंग का वन आवर उठाओ, फिर ब्रेक लो। अब जब आप थर्ड सब्जेक्ट खत्म करोगे, मतलब आपको थ्री आवर 20 मिनट्स हो चुके हैं, 10-10 मिनट्स का आपने ब्रेक लिया, वन आवर की आपने स्टडी की, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जस्ट आपको 40 मिनट्स का या 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है आराम से, या वन आवर का भी ले लो आराम से, वन आवर का ब्रेक ले लो, ठीक है, वन आवर का ब्रेक ले लो आराम से, आराम से रिलैक्स करो, कुछ भी देखो या कुछ भी घूम के आ जाओ, दोस्तों से बातें कर लो, एनीथिंग, व्हाट्सएप, फिर अगेन आई वॉन्ट टू से दैट विच यू वॉन्ट टू लाइक टू डू यू कैन डू, ओके, इन दैट वन आवर। सो वन आवर आप कुछ भी करो, ये 3 घंटे की स्टडी करने के बाद आपने वन आवर का ब्रेक लिया प्रॉपर तरीके से, आपने बहुत रिलैक्स करा है, आपने थोड़ी सी नैप ले ली, फिर आता है प्रीलिम्स, सॉरी फिर आता है मॉक टेस्ट। अब इस मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट करोगे आप, इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने के बाद इस मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट करो, वन आवर यहाँ दो मॉक टेस्ट के बाद, आपके एटलीस्ट यहाँ पर जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं 5 आवर, ठीक है, 5 आवर्स यहाँ पर आपके चलेगा, बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 5 आवर तो देने ही देने हैं बिल्कुल। अब 5 आवर की आपने स्टडी कर ली, और ब्रेक जरूर लेना, ऐसा नहीं आप कंटिन्यूअस इंक्वाइंट के बाद आपने कुछ नहीं देखा, बस ब्रेक भी नहीं लिया और इंग्लिश उठा ली, इंग्लिश के बाद कुछ नहीं देखा, रीजनिंग उठा ली, ऐसे नहीं, 10-10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना। उस ब्रेक में देखो आपको इतनी ज्यादा मतलब एनर्जी के साथ आप काम करोगे, नेक्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है बहुत प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव वे में खत्म करोगे फटाफट। सो फिर मॉक टेस्ट लगाया, 5 आवर्स आपके हो गए। अब आपके बचे हैं लगभग 3 आवर्स। अब 3 आवर्स के अंदर देखो क्या करना है आपको, ये प्रीलिम्स का तो देखो आपको एग्जाम तक ही प्रैक्टिस करना है ना, एग्जाम तक प्रैक्टिस करना है जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता, देन उसके बाद तो आपको मेंस ही करना है। तो अभी मेंस को कम टाइम देंगे, फिर बाद में मेंस को ज्यादा टाइम देंगे, तो इस तरीके से चलना है। तो अभी मेंस के लिए तो 3 आवर्स हैं, और जिन बच्चों का प्री स्ट्रांग है तो वो तो मेंस को ही दीजिए सारा टाइम, प्री की बहुत कम लाइक प्री को आप 2-3 आवर्स दीजिए, बाकी मेंस को दीजिए, ये वो बच्चे कर सकते हैं जिनका प्रीलिम्स अभी स्ट्रांग है। तो अब आती है मेंस की बात, तो मेंस के लिए बचे हैं हमारे पास 3 आवर्स, ठीक है। इस 3 आवर्स में से आप जो 2 आवर्स है ना वो कंप्लीटली निकाल के रख दो, किस चीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, इन 3 सब्जेक्ट की, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, सही है। और जो 1 आवर बचा हुआ है ना वो आप निकाल के रख दो जीए के लिए। सो 1 आवर आप जीए के लिए, जो डेली वाइज जीए करना है आपको, वो 1 आवर करना ही करना है, ठीक है। ये तो इस 2 आवर्स में किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, देखो इंग्लिश के जो है ना आप इस तरीके से 2 आवर्स जो मैनेज करने हैं ना आपको, वो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। जैसे क्वांट में आप डेली क्या करो, डेली उठाओ कि मुझे डीआई उठानी है, तो आप एक दिन क्या करो
एक दिन नहीं, आप डेली का बना लोगे, मैं डीआई तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा, डीआई के अलावा जो मेरा और अच्छा मुझे लगता है अर्थमेटिक में ये स्ट्रांग है तो मैं वो उठाऊंगा, तो उसमें से 2 आवर्स में से उसको टाइम डिवोट कर दो थोड़ा सा। फिर रीजनिंग आपका थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आप सोचो कि मैं 2 पजल बना लेता हूँ और एक दो इनपुट एक इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस कर लूंगा और एक आधा और मिसलेनियस कर लूंगा, डेली का मैं ये कर सकता हूँ थोड़े से समय में, लाइक 30 से 40 मिनट दे के 15-15 मिनट पजल को दोगे और 10 मिनट आप एक मिसलेनियस टॉपिक को दे दोगे तो एनफ है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम यहाँ कंट्रीब्यूट करो, इस 2 आवर्स को फिर आप थोड़ा सा टाइम इंग्लिश में दो। इंग्लिश में जैसे आपने एक आरसी उठाया मीन्स का, एक आरसी कर लिया और पैराजंबल उठाया पैराजंबल कर लिया, थोड़ा बहुत ये कर लो। तो इस तरीके से 3 आवर्स आपको मैनेज करने हैं। तो कंप्लीट ये इस तरीके से प्रिलिम्स और अभी मेंस का करो। जब हमें थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे, वो चेंजेस करने होंगे प्रिलिम्स एग्जाम होने के बाद, तो वो हम जरूर करेंगे। तो आपके 8 आवर्स यहाँ पर हो जाते हैं। इस 8 आवर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो बचता है ना, वो बचता है रीडिंग करने का हिसाब, कि आप रीडिंग कैसे करोगे। तो रीडिंग के लिए यार देखो, आप बैठे हो या चाय पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इस तरीके से रीडिंग कर लो। मैं तो इस तरीके से ही करता हूं, मैं ऐसा नहीं कि बैठता हूं प्रॉपर तरीके से, मेरा जब दिल करता है मैं कुछ भी चलाते हुए फोन उठाता हूं और फोन में जस्ट कुछ भी खोलता हूँ या कोई आर्टिकल खोलता हूँ और रीड कर लेता हूँ बस। ऐसा नहीं है मैं एडिटोरियल रीड करता हूँ या कुछ भी जो मिलता है वो रीड कर लेता हूँ, एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट बचता नहीं है जब आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अभी आप अगर थोड़े से कम लेवल पर हो और आपको लगता है कि मुझे अभी वोकैब में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, यानी अभी वोकैब नहीं आती है, बहुत याद करनी पड़ेगी, तो आप पक्का एडिटोरियल को फॉलो करो, एडिटोरियल को फॉलो करो। या एडिटोरियल के अलावा आप कुछ भी एनीथिंग भी रीड करते हो ना, तो वहां पे से भी आपको वर्ड तो मिलेंगे। तो एडिटोरियल रीड करने के लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट देने हैं बस। 30 मिनट इज एनफ फॉर रीडिंग एडिटोरियल। सो दोस्तों, ये कंप्लीट रहने वाला है आपका शेड्यूल। इस तरीके से टाइम मैनेज करो। अब देखो, ये जो 3 आवर्स है ना, ये 3 आवर्स इसमें भी आप ऐसा मत करना कि आप ब्रेक नहीं लो। तो ब्रेक जरूर लेना 5-5 मिनट का। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, ब्रेक जरूर लेना यार, 5-5 मिनट का ब्रेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 मिनट्स का जब आप ब्रेक लोगे ना, जैसे आपने 40 मिनट्स इंग्लिश को दिए या 40 मिनट से कम दिए, 30 मिनट 35 मिनट्स इंग्लिश की प्रैक्टिस करी मेंस की, और आपने क्या करना है 5 मिनट्स का ब्रेक दे लिया, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का, फिर उसके बाद थोड़ा सा फोन चलाया कुछ करा, फिर उसके बाद पॉइंट कर लिया, फिर उसके बाद 5-10 मिनट फोन चलाया, फिर रीजनिंग कर ली, इस तरीके से करा करो। तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे में आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपको देखो फोन की तो लत लगी हुई है हर किसी को, मुझे भी आपको भी सभी को ही है। तो आप जब इस तरीके से करोगे ना, तो आपकी फोन की लत भी नहीं जाए, मतलब उसको भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप काम भी अच्छे से कर लोगे और आप आपको वो डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से बनाओ अपना और इस तरीके से काम करो, देखो बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस टाइम पर करते हो। आपको अगर लगता है कि भाई मैं मॉर्निंग में उठ के ये 2 सब्जेक्ट 1 आवर दे दूंगा, जैसे मॉर्निंग में मैं उठा, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो जैसे मॉर्निंग में आपको कोई उठता है 5 AM या कोई उठता है 6 AM, राइट, और वो 6 AM से 8 AM तक स्टडी कर लेता है और 5 AM से 7 तक, यानी 2 आवर्स वो दे देता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं 2 आवर्स में क्या क्या प्रैक्टिस कर लूंगा, यानी एक एक मुझे प्रिलिम्स का तो खत्म करना ही, तो 2 आवर्स में क्या करता हूँ, मैं एक सब्जेक्ट पॉइंट उठा लेता हूँ, एक सब्जेक्ट रीजनिंग उठा लेता हूँ और फटाफट 2 आवर्स यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ, या 1 आवर का जो ब्रेक लेना था वो ले लेता हूँ, फिर उसके बाद और जो है 2 आवर की स्टडी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप 2-2 आवर्स में भी ब्रेक कर सकते हो, उन 4 आवर्स को जो है 2-2 आवर्स में भी ब्रेक कर सकते हो। जो हमारे प्रिलिम्स के मैंने 4 आवर्स बताया ना आपको, प्रिलिम्स के जो 4 आवर्स है उनको 2-2 आवर्स में भी ब्रेक कर लो। आप 2-2 आवर्स में भी करके करोगे तब भी बेटर है वो। लाइक पहले 2 सब्जेक्ट पढ़े, फिर ब्रेक ले लिया आराम से, और फिर 1 घंटे का बीच में ब्रेक ले लिया, फिर आपने 2 सब्जेक्ट मतलब 1 सब्जेक्ट पढ़ा और 1 मॉक टेस्ट लगा दिया, बस हो गया काम। फिर आपने फिर ब्रेक ले लिया, फिर आपने मेंस का स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपका काम चलेगा। और इसी तरीके से मैं हमेशा इसी तरीके से करता था, जब मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरे पास टाइम रहता था तो मैं ऑलवेज इसी तरीके से 1-1 आवर की स्टडी करता था, प्रिलिम्स की और मेंस की साथ में ही चलाया मैंने। जब मेरा मेंस नहीं निकला तो मैंने साथ में ही चलाना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो मैंने मेंस की बहुत सारी मेंस को बहुत ज्यादा फोकस किया, फिर अब जब प्रिलिम्स भी नहीं क्लियर हुए हैं, 2 से 3 प्रिलिम्स नहीं क्लियर हुए हैं, तो मैंने क्या करना है स्टार्ट कर दिया, साथ में चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप देखो प्रिलिम्स और मेंस पर दोनों पर फोकस में लग जाओ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, लगभग 50 डेज है, 1.5 महीना है अपने पास। तो आराम से मेंस तक की बात बता रहा हूँ मैं, तो प्रिलिम्स के लिए तो बहुत कम टाइम है, और प्रिलिम्स के लिए तो अब 10-15 दिन ही बचे हैं तो हो ही जाएगा, और मेंस के लिए जो अपने पास कितने टाइम है, लगभग लगभग
आप मान के चलो 50 डेज तो हैं ही, तो 50 डेज में आप अगर ये चल इस तरीके से करोगे और प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद फिर हम मेंस को टाइम देंगे अच्छे से और अच्छे से कर लेंगे। आईयूपीएस पीओ भी होगा तो उसको भी मैनेज कर लेंगे आराम से अगर ये प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ लिया तो, क्योंकि फिर तो हमें दिसंबर में आईयूपीएस देना है और दिसंबर में मेंस देना है। तो अगर हम मेंस प्रीलिम्स को अभी से अच्छे करते हुए चलेंगे तो फिर हम प्रीलिम्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आईयूपीएस पीओ तक और बस उसके बाद तो मेंस ही मेंस चलना है, सब आईयूपीएस क्लर्क का भी और आईयूपीएस पीओ का भी मेंस चलना है। तो उसके बाद प्रीलिम्स दी एंड हो जाएगा, बस दिसंबर तक चलेगा प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस ही करना है एंड तक, दैट्स इट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये लगे तो बिल्कुल आप लगे कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ और करूंगा तो आपका प्रोडक्टिव वे में काम होता है इससे, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मुझे इस शेड्यूल से और इस टाइम मैनेजमेंट से फायदा मिला है और बहुत अच्छे से। ये चीज बच्चों को भी पता चलनी चाहिए कि हाँ ये चीज है, इससे बच्चों को फायदा हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप ये फॉलो करते हो तो। थैंक यू सो मच।